मूवी की शुरुआती सीन में हमें एक पुरानी क्लासिक कार को दिखाया जाता है जिसे रोनाल्ड अपनी पत्नी मैरी के साथ एक हाईवे पर चला रहे थे। जब उनका रेडियो खराब हो जाता है तो रोनाल्ड जीपर्स क्रीपर्स गाना बजाते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि मूवी में क्या आने वाला है। हालांकि फिल्म की शुरुआत कुछ हद तक 2001 की क्लासिक फिल्म का एक नजराना है, क्योंकि फिल्म के सीन बिल्कुल एक जैसे हैं। रोनाल्ड अपनी गाड़ी के पीछे एक डरावना ट्रक देखते हैं, जिसके नेम प्लेट पर बीटिंग यू लिखा था, लेकिन रोनाल्ड और उसकी पत्नी डर की वजह से उस ट्रक को आगे जाने का रास्ता देते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि रोनाल्डो को वही ट्रक रास्ते में फिर से दिखता है। पर डरे हुए रोनाल्ड आगे चलते रहने का फैसला करते हैं, लेकिन वो ट्रक इस बार रोनाल्ड के पीछे पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने उस ट्रक वाले को रास्ते में कुछ करते हुए देखा था। रोनाल्ड बड़ी मुश्किल से उस ट्रक से पीछा छुड़ाते हैं और एक साइड पर अपनी कार को रोकते हैं। रोनाल्ड कार से उतरकर सबसे पहले डरी हुई अपनी पत्नी को संभालते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए उस ट्रक का नंबर अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। लेकिन मैरी इस हादसे से इतना डर चुकी थी कि अब उसे सिर्फ अपने घर जाना था। रोनाल्ड वही करते हैं और जब घर वापसी के लिए अपनी कार बैक करते हैं तो वो देखते हैं कि वही ट्रक वाला हाईवे पर खड़ा अपने ट्रक की नंबर प्लेट बदल रहा था। रोनाल्ड बिना किसी आवाज के वहां से वापस निकलते हैं, लेकिन रास्ते में दोनों उस जगह को देखने का फैसला करते हैं जिस जगह पर वो ट्रक रुका था, क्योंकि दोनों को लगता है कि वो ट्रक वाला कुछ गलत कर रहा था। रोनाल्ड अपनी कार को वहीं पर रोकते हैं और उतरकर जब उस बिन में देखते हैं तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिन में लाश को देखते हैं जो एक सफेद चादर में लिपटी हुई थी। सबसे पहले ऐसा लगता है कि मूवी अभी आगे चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मूवी जल्द ही 21वीं शताब्दी में बदल जाती है और अभी हमने जो देखा था वो सब एक YouTube वीडियो क्लिप थी, जिसे कॉलेज स्टूडेंट चेस और लेन अपनी कार में देख रहे थे। दोनों लुइसियाना में होने वाले हॉरर फेस्टिवल में जा रहे थे, लेकिन लेन का इस फेस्टिवल में जाने का कोई भी इरादा नहीं था। पर चेस जो लेन से प्यार करता है, पर लेन को ये बात नहीं पता, वो उसे इस फेस्टिवल में जबरदस्ती लेकर जा रहा था। दोनों फिल्म में पहले दिखाई गई उसी सड़क पर ड्राइव करते हैं जिसे इस फिल्म में पहले दिखाया गया था। चेस लेन को बताता है कि जीपर्स क्रीपर्स होते हैं, लेकिन लेन एक वैज्ञानिक थी इसलिए वो इस बात का सबूत मांगती है। पर चेस उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिस कहानी को वो जिस यूट्यूब पर देख रहा था वो सच में होती है, और रिवायतों के मुताबिक क्रीपर हर 23वीं गर्मी में जिंदा होता है और लगातार 23 दिनों तक कत्ले आम मचाता है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। बाद में हमें क्रीपर की पहली झलक को देखने को मिलती है जो अभी अभी अपनी लंबी नींद से जागा था और अब वो खून का भूखा था। क्रीपर अपना सबसे पहला शिकार 20 साल का एक जवान लड़का सैम का करता है, क्योंकि क्रीपर अपनी हत्या की शुरुआत कर चुका था, और बदकिस्मती से सैम उसका शिकार बन जाता है। लेन और चेस एक वुडू की दुकान पर रुककर वहां से एक प्राचीन नक्शा खरीदते हैं, लेकिन लेन नक्शे को लेते वक्त उस दुकान की मालकिन को छू लेती है, जहां उसे एक अजीब फ्लैशबैक आता है। पर लेन इस बात को वो चेस को नहीं बताती है, और लेन ने चेस को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं वो औरत चेस को बधाई देती है, क्योंकि चेस लेन को प्रपोज करने वाला था जिसकी बधाई वो दे रही थी। लेन कुछ समझ नहीं पाता है, पर चेस समझ चुका था। जब दोनों दुकान से बाहर होटल के लिए निकलते हैं तो वो औरत किसी को फोन करती है और बताती है कि उसके पास किसी का पेट भरने का इंतजाम हो गया है। होटल में पहुंचने के बाद चेस लेन को कॉस्टले पोशाक पहनने को देता है। लेन कपड़े बदलते वक्त सफेद रेवेन से बहुत डर जाती है, जो होटल की खिड़की से टकराकर मर गया था। अब सीन क्रीपर की ओर मुड़ता है जो अपने खतरनाक ट्रंक को निकाल रहा था। चेस लेन के साथ जब हॉरर फेस्टिवल में पहुंचता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ उनके सामने आ जाता है जिसके सीने में तीर फंसा था। वो नीचे गिर जाता है मानो वो मर चुका हो। पर चेस और लेन ये सब देखकर काफी डर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मानो क्रीपर ने हमला कर दिया हो। पर वो जल्द ही उठ जाता है और सबको बताता है कि ये सिर्फ एक रियाज था। वही आदमी जंगल में जब सिगरेट पीने के लिए जाता है
तो इस बार क्रीपर उसे हकीकत में मार देता है। वहीं दूसरी ओर हम उसी दुकान वाली औरत को देखते हैं जो चेस और लेन पर नजर रख रही थी। दोनों एक शॉप पर रुकते हैं। चेस दुकान पर रखे शुरिकेन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने इस तरह के शुरिकेन आज तक नहीं देखे थे। तभी दुकान का मालिक आता है और शुरिकेन के बारे में उन्हें बताता है कि हर शुरिकेन अपने आप में अलग है और साथ ही ये शुरिकेन क्रीपर के सबसे पसंदीदा भी थे जिनसे वो अपने शिकार को मारता था। चेस और लेन क्रीपर ड्रा देखने जाते हैं लेकिन वहाँ पहुँचने पर लेन फिर से उसी फ्लैशबैक को देखने लगती है। इस बार वो खुद को आदमियों के बीच न्यूड देखती है जहाँ उसके सर पर एक चक्र बना हुआ था। क्रीपर लकी ड्रा को लेन जीत लेती है जिसे उसी दुकान वाली औरत ने खोला था। मानो उसने लेन का नाम जानबूझकर निकाला हो और ये बात सच थी क्योंकि उसने सारे पार्टिसिपेंट्स के नामों को हटाकर सिर्फ लेन का ही नाम डाला था। क्रीपर ड्रा में उसे क्रीपर थीम वाले एस्केप रूम में पूरा दिन बिताने का मौका मिलता है। चेस और लेन को बैक स्टेज में ले जाया जाता है जहां वो जैमी, कैरी, स्टू और माइकल से मिलती है जो उनके इस सफर में शामिल होंगे। स्टू अपने ग्रुप को हॉन्टेड हाउस ले जाने से पहले सेमेट्री हाउस दिखाता है। चेस की जैमी के साथ नजदीकियां देख लेन गुस्से में सेमेट्री के अंदर चली जाती है। वहीं माइकल कैमरामैन क्रीपर का शिकार बन जाता है। ग्रुप जब सेमेट्री के अंदर पहुँचता है उन्हें सिर्फ माइकल का कैमरा मिलता है और वहीं लेन की नाराजगी की वजह से वो क्रीपर का शिकार बन जाती है। चेस ग्रुप के साथ मिलकर लेन को खोजने का प्लान बनाता है और सेमेट्री के अंदर बने हॉन्टेड हाउस में जाने का फैसला करता है। पर रास्ते में कैमरामैन माइकल की लाश मिल जाती है और जल्द ही सब समझ जाते हैं कि क्रीपर अब उनका शिकार कर रहा है। लेकिन लेन जब अपनी आँखें खोलती है तो वो खुद को उस क्रीपर के पास देखती है। क्रीपर लेन के पेट में चाकू मार देता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। इस बीच जब ग्रुप हॉन्टेड हाउस के अंदर आ जाता है तो उनके अंदर आते ही दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया जाता है। मूवी अब यहाँ पर साफ हो जाती है कि आखिर उस दुकान वाली औरत ने इनको इस हॉन्टेड हाउस में क्यों बंद कर दिया था। दरअसल वो क्रीपर की पूजा करती थी और इसीलिए वो चाहती थी कि क्रीपर पुनर्जन्म लेकर अमर हो जाए। ग्रुप का हर इंसान अपनी इस बदकिस्मती के लिए स्टू को जिम्मेदार मानता है लेकिन स्टू बताता है कि ये सब उसने लेडी मनीला के कहने पर किया था जिसका उसे पैसा मिला था। ये लेडी मनीला कोई और नहीं बल्कि वही दुकान वाली औरत थी। चेस जब दरवाजे को खोलने के लिए स्टू पर दबाव डालता है तो स्टू अपने बचाव के लिए अपनी गन को निकाल लेता है और एक हवाई फायरिंग करता है। फायरिंग की आवाज जब क्रीपर के कानों तक पहुँचती है तो वो लेन को छोड़ कर ग्रुप की ओर निकल पड़ता है। क्रीपर जब दरवाजे पर आता है तो सब अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागते हैं। ऊपर पहुंचने पर उन्हें लाशें लटकी हुई मिलती हैं। क्रीपर के सामने आते ही स्टू अंधाधुंध गोलियां उस पर बरसा देता है। गोलियां लगने से क्रीपर का हाथ बेकार हो जाता है। वो इस बेकार हाथ को उखाड़ देता है और लटकी हुई लाश का हाथ उखाड़ कर अपने लगा लेता है। लाश सैम की थी जिसे जंगल में क्रीपर ने मारा था। सैम लेन का बॉयफ्रेंड भी था जिसने लेन को प्रेग्नेंट किया था और लेन के प्रेग्नेंट होने की वजह से ही क्रीपर लेन के पीछे पड़ा था क्योंकि क्रीपर को लेन का बच्चा चाहिए था। पर लेन ने अभी भी इस बात को चेस से छिपा कर रखा था। अंत में लेन को अपनी जान बचाने के लिए उसे वहां पर एक खंजर मिलता है जिसे क्रीपर वहीं पर छोड़ गया था। खंजर की मदद से लेन रस्सियों को काटती है और वहां पर रखे शुरिकेन अपने पास रख लेती है। बदकिस्मती से कैरी ग्रुप से अलग हो जाती है और बड़ी मुश्किल से क्रीपर के हमलों से बच पाती है। जल्द ही लेन और कैरी ग्रुप में फिर से शामिल होते हैं। लेन चेस को बताती है कि क्रीपर जो चाहता है वो उसके पास है, उसका बच्चा। लेन अब चेस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है जिसकी वजह से वो उसकी जान के पीछे पड़ा है। लेन की बातों को सुनने के बाद ग्रुप एक साथ रहकर क्रीपर को मारने का फैसला करता है। ग्रुप को खुद की जान बचाने का एक ही रास्ता था, क्रीपर को मारना। लेकिन क्रीपर के हमले में कैरी नहीं बच पाती है, वो मार दी जाती है। बाकी लोग बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं जहां लेन को एक अजीब चीज दिखती है। वो देखती है कि वो
कई सारी हुड़गुड़ियों से घिरी हुई थी। इधर क्रीपर कैरी की लाश को घसीटकर अपने कमरे में ले जाता है और म्यूजिक लगाने के बाद उसकी खोपड़ी को फोड़कर उसके भेजे को खा जाता है। ग्रुप को ऐसे कई सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि कहानियां सच हैं और क्रीपर वास्तव में उनका शिकार कर रहा है। ग्रुप मिलकर क्रीपर को मारने का इरादा पक्का करते हैं, लेकिन इसमें क्रीपर जैमी को मार देता है। लेन एक प्लान बनाती है और खुद को क्रीपर के सामने खड़ी होकर स्टू और चेस को घर के ऊपर जाने को बोलती है। लेन वही करती है। क्रीपर को धीरे धीरे उस घर से बाहर लाकर अपने बिना जन्मे बच्चे को क्रीपर को लेने देती है। लेन की ये सब एक चाल थी, इसलिए जब क्रीपर का ध्यान लेन के बच्चे पर रहता है तो लेन मौका देखकर उसे शुरीकेन से उस पर हमला करती है, जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद वो चेस से ऊपर लगे भाले को क्रीपर पर फेंकने को बोलती है। भाला क्रीपर के मुंह को चीर देता है, जिसकी वजह से क्रीपर की मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद कौवों का एक झुंड दिखाई देता है जो दोनों पर हमला करना शुरू कर देता है, पर स्टू अपना बचाव करने के चक्कर में अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन चेस खुद को बचा लेता है और लेन को भी, लेकिन तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है और दोनों को अपनी कार में बैठाती है। उसके बाद मूवी में हमें लेन की लाल आंखों को दिखाया जाता है, जहां मूवी खत्म होती है। वहीं हमें फिल्म में क्रीपर को फिर से दिखाया जाता है जो अब फिर से जिंदा हो चुका था, जिसका मतलब है आने वाली फिल्म का अगला पार्ट होगा। अब अगर आप लोगों को लगता है कि फिल्म का अंत खराब था तो आपको इसके आने वाले अगले पार्ट को देखना चाहिए। हालांकि इस मूवी में हमें क्रीपर्स को खाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया था और साथ ही उसे बाकी लोगों की मदद की भी जरूरत थी।